सो वॉट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग बीज गुरुकुल, बीज गुरुकुल ज्वाइन करने के बाद क्या करना चाहिए, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा अगर आपने बीज गुरुकुल ज्वाइन करा होगा तो। ठीक है, सबसे पहले ये वीडियो क्रिएट करने का मेन मोटिव आप एक बार जान लो। देखो काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिन लोगों ने बीज गुरुकुल में एनरोल तो कर लिया बट उसके बाद उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, उनको प्रॉपरली सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने बीज गुरुकुल में ज्वाइन तो करा लिया बट उनका नंबर वो लोग ब्लॉक कर देते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट ऐसे आ चुकी है, सो दैट्स वाई उनका प्रॉपर एक सोल्यूशन निकाल के मैंने वीडियो क्रिएट करा कि अगर आप कोई भी इशू में फंसे हो तो आप ये वीडियो वॉच करके आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको करना चाहिए, कैसे आपको करना है वर्क। ओके, और अगर अभी तक आपने बीज गुरुकुल ज्वाइन नहीं करा तो आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वाई आई लेफ्ट बीज गुरुकुल करके, तो आप उसे वॉच करना बिकॉज उसमें मेरा प्रॉपर एक एक्सपीरियंस है कि मैंने बीज गुरुकुल में क्या चीज़ें करी है और कैसे कैसे वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बीज गुरुकुल क्यों छोड़ा। ठीक है, तो वीडियो वॉच कीजिए गाइस। सबसे पहले अगर आपने बीज गुरुकुल ज्वाइन करा है, कल ज्वाइन कराओ, आज ज्वाइन कराओ, एक घंटे पहले ज्वाइन कराओ इस वीडियो को देखने से पहले, या कभी भी ज्वाइन कराए। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं समझा कि क्या करना है कैसे करना है काम, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बीज गुरुकुल में अगर आपने इनरोल करा है, ओके, बीज गुरुकुल में अगर आपने इनरोल करा है के बाद सोच रहे हो कि फटाफट हम अर्निंग करेंगे, फटाफट हम सेल निकाल के हम जो है 1000-2000 डेली की अर्न कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम में नहीं जाते। एक ट्रेनिंग मोड अपना ऑन करके, लर्निंग मोड ऑन करके वहाँ पर चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बीज गुरुकुल में एनरोल करने के बाद कम से कम 10-15 दिन आपको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि विदाउट लर्निंग यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप सोचो कि मैं ज्वाइन करते ही अर्निंग करूँगा, ये नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल। ओके, तो ये माइंड में आप प्रॉपरली रख लेना। ओके, उसके बाद सबसे पहले बीज गुरुकुल की एक ट्रेनिंग आती है स्टेप टू सक्सेस, आप उसे क्लियर करो। आप उसे जब प्रॉपरली चीज़ों को वॉच करोगे, उसे जब प्रॉपर देखोगे, ठीक है, उसमें स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। आप अपने डैशबोर्ड पे जाके एफिलिएट पैनल पे जाइए, एफिलिएट पैनल पे जाने के बाद वहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, ट्रेनिंग में आपको मिलेगा स्टेप टू सक्सेस, कोर्सेज में या ट्रेनिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, स्टेप टू सक्सेस को आपको प्रॉपरली वॉच करना है, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, आपको जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे प्रॉपर वॉच कर लेना। ओके, उसको आप वॉच ऐसे ही नहीं करना, आपको उसके नोट्स क्रिएट करना है। जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाएगी आपको उसका नोट लिखना है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीज़ें मुझे फॉलो करनी है वर्क के अंदर, ऐसी चीज़ें मुझे आ सकती है। ठीक है, तो वो जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे उस वर्क को। तो आप उससे प्रॉपरली सारी चीज़ें लिख लेना, और जब आप स्टेप टू सक्सेस कंप्लीट करो उसके बाद भी आपकी लर्निंग बचती है। कम से कम 10-15 दिन लर्निंग करनी मैंने बोला था, तो स्टेप टू सक्सेस अगर आपने 7 दिन के अंदर कंप्लीट करी तो उसके बाद आपको करना है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आपने स्टेप टू सक्सेस देखी, स्टेप टू सक्सेस देखने के बाद ही उसी दिन से आपको काम करना स्टार्ट करना है। जो जो चीज़ें सिखाई गई थी उसे स्टेप बाय स्टेप आपने नोटबुक में लिखा होगा, उसे देख देख के आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करते करते यही नहीं कि आपको इम्प्लीमेंट ही करते रहना है, आपको एक साइड पर इम्प्लीमेंट करो और दूसरे साइड पर आपको डेली कंपनी की ट्रेनिंग्स देखनी है। कंपनी की आपको अफिलिएट पैनल में जाके आपको ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स मिलेगी। ओके, तो मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको वो सारी ट्रेनिंग्स देखनी पड़ेगी। ओके, एक ट्रेनिंग 1-1.5 घंटे की होती है, 20 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है। ठीक है, उस एक ट्रेनिंग को आपको 2-3 बार रिप्ले करके देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम में समझ तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं समझ पाओगे इतनी जल्दी मुझे पता है, तो 1-2 बार देख लो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सीखना पड़ेगा अगर आपने इनरोल कराए, कुछ अमाउंट पे कराए तो। ठीक है, तो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना। उसी के साथ जैसे ही आपने मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 ट्रेनिंग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वॉच कर सकते हो। आफ्टर अगर आपको और जो नॉलेज लेनी है तो आप अपना वर्क कंटिन्यू करते करते आप अफिलिएट पैनल में जाके स्टेप टू सक्सेस हॉल ऑफ फेम उनके, और 2 हॉल ऑफ फेम रेगुलर देखना है आपको, मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स रेगुलर वो ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अफिलिएट ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा, तो आप देखते देखते अपना वर्क को स्टार्ट करना है। जो भी चीज़ें सीख रहे हो उसको प्रॉपर एक एक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसे करके 10-15 दिन आपको आपके लर्निंग में देने हैं, कम से कम 10-15 दिन। 15 दिन के बाद आपको अपने वर्क को स्टार्ट करना है एकदम प्रॉपरली, जो जो चीज़ें सीखे उसको रिकॉल करके अपना वर्क स्टार्ट करो। और जैसे ही आप अपना वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, मेरे पास और कुछ आपके लिए पॉइंट्स है, आप जैसे ही वर्क स्टार्ट करते हो अपना मेन फोकस होना चाहिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, मेनली सभी इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क करते हैं अफिलिएट मार्केटर्स नए वाले, ठीक है, या जो भी पर्सन है। तो अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको अपना वर्क कंटिन्यू रखना है, आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है,
आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर डेली पोस्ट डालने हैं, आपको प्रॉपर प्रोफाइल पिक वगैरह जो भी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएगी उसको फॉलो करना है। बट हाँ, इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूस आपको वर्क करना है, ओके। जितना जल्दी से उसको ऑप्टिमाइज़ करो, और जब आप ऑप्टिमाइज़ करोगे जब आप अपना वर्क स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब जैसे अपना वर्क स्टार्ट करोगे, मिनिमम 10 से 15 दिन आपने स्पेंड करे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में, आपने ट्रेनिंग देखी, आपने स्टेप टू सक्सेस कंप्लीट करी, 15 दिन के बाद जब अपने वर्क स्टार्ट करोगे आपको एक वर्किंग स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि वर्क मुझे कब कब करना है, ठीक है। आपको 3 घंटे डेली वर्क करना है इस कंपनी के अंदर, बीस गूगल के अंदर। अब 3 घंटे कैसे करोगे? फर्स्ट इन 3 घंटों को हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट आवर हमको देना है आपकी ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग सीखना है। अब जैसे कि ट्रेनिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, ठीक है, 100-150 ट्रेनिंग्स वहाँ पर रेगुलर आपको, ठीक है, 100-150 ट्रेनिंग्स वहाँ पर रेगुलर आपको मिल जाएगी, ओके। तो वहाँ पर आपको एक हॉल ऑफ फेम देखना है, एक मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेनिंग, अफिलिएट ट्रेनिंग, ऐसे करके 3 ट्रेनिंग आपको 1 घंटे के अंदर देख लेनी है, या एक ट्रेनिंग भी आप 1 घंटे के अंदर देख सकते हो बड़ी होगी तो, ठीक है। उसके बाद 2nd आवर में आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना है, एंड 3rd आवर में आपको अपनी लीड जनरेशन प्रोसेस करनी है। 3 घंटे हो गए, ये 3 घंटे आपको रेगुलर वर्क करना है। आपको रिजल्ट अगर ऐसे चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट 100% आएगी, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक प्रॉपरली एक शॉर्ट रिव्यू में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप न्यू पर्सन हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस, आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो ये चीज़ अगर आपने वीडियो देखा है, ठीक है, तो इन चीज़ों को काम करना स्टार्ट करो, ओके। अगर आपके स्पॉन्सर गाइड नहीं कर रहे, आपके स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज उनके लिए ये वीडियो एक वैल्यूएबल चीज़ है। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज कर करके परेशान कर दिया, क्या करना है, कैसे करना है वर्क, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ब्लॉक करा, ये करा, वो करा, ठीक है। तो अगर आप भी हो या नहीं हो तो ये वीडियो प्रॉपर वॉच करने के बाद अपना इम्प्लीमेंटेशन काम को स्टार्ट कर दो, इम्प्लीमेंट करो, आपकी अर्निंग 100% होगी। खुद पे बिलीव रखो, खुद पे बिलीव रखिए, आपने एक्शन लिया है तो खुद पे बिलीव रखिए, काम करना है, और आप वो कर सके जो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, और अपना फीडबैक ज़रूर से मुझे शेयर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही वैल्यूएबल चीज़ें लेके आता रहूँगा।